यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप ट्वेल्थ पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें द स्टडी नॉलेज डॉट कॉम, वहां पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे, ठीक है। चलिए तो आज का जो इम्पोर्ट आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे आपको जो कक्षा 12, ठीक है, जो कि किसके पैटर्न पे है, एनसीईआरटी पैटर्न पे है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी पैटर्न पे है उसका हम आज आपको बताएंगे भाग नंबर 26, किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 26। इसके पहले हमने 25 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। उसको देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कल हम आपको बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 के आगे बताना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है ये द्रव स्नेही द्रव कोलाइड सॉरी द्रव स्नेही कोलाइड व द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रतीक को एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आइए हम पहले समझेंगे द्रव स्नेही कोलाइड को, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, उचित विलायक के साथ पदार्थ को मिलाने अथवा गर्म करने पर सुगमता से प्राप्त होने वाले कोलाइडी तंत्र द्रव स्नेही कोलाइड कहलाती है या कहलाते हैं। समझ में आई बात, हमें लगता है कि कुछ बच्चों को एक बार में समझ नहीं आएगा, आया होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें बताया जा रहा है कि उचित विलायक के साथ पदार्थ को, ठीक है, मिलाने या तो गर्म करने, कह सकते हैं मिलाकर गर्म करने पर सुगमता, सुगमता मतलब सरलता से आसानी से प्राप्त होने वाले कोलाइडी तंत्र द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये उत्क्रमणी साल होते हैं, क्या होते हैं ये, कौन से साल होते हैं, ये उत्क्रमणी साल होते हैं, ठीक है। वे प्रायः स्थायी होते हैं, इन कोलाइडों को किसी विद्युत अपघट के विलयन की, ठीक है, किसी विद्युत अपघट के विलयन को मिलाकर, ठीक है, शीघ्रता से अवक्षेपित नहीं कर सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब नहीं किया जा सकता तो आइए अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, रबर आदि के शॉल हैं, ठीक है। तो ये द्रव स्नेही कोलाइड के ही क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें से आप कुछ के नाम सुने होंगे, कुछ के नाम नहीं सुने होंगे, तो जिसका नाम सुने हैं वो तो समझ में आ रहा होगा और जिसका नहीं सुने हैं वो तो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जो समझ में आ रहा है आप उसी को याद कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, एक को नहीं या सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अगर याद कर लेते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे द्रव विरोधी, ये तो द्रव स्नेही हो गया, ठीक है। द्रव स्नेही का मतलब स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, मतलब कि प्रेम का मतलब कि सरलता से, ठीक है, जो सुगमता से क्या होता है, गर्म करने पर कोलाइडी तंत्र में मिल जाता है, घुल जाता है, समझ में आ रही बात। अब बात करेंगे हम द्रव विरोधी। अब देखिए नाम से ही लग रहा है विरोधी है ये, है कि नहीं, लग रहा है ना, स्नेही मतलब प्रेम होता है तो मतलब वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब विरोधी है तो विरोधी को भी समझ लेते हैं, जस्ट उसका उल्टा हो सकता है, तो आइए पहले समझ लेते हैं इसको। तो कोलाइडी सॉरी देखिए कोलाइड यदि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई
बंधुता नहीं होती है तो इस प्रकार की कोलाइड, ठीक है, इस प्रकार के जो कोलाइड सॉल होते हैं, कोलाइड सॉल को हम द्रव विरोधी कहते हैं। समझ आई बात? तो फिर समझिए, इसमें बताया जा रहा है कि कोलाइड यदि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती है तो इस प्रकार के कोलाइड सॉल को हम द्रव विरोधी सॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे समझिए। ये प्रायः कम स्थायी होते हैं। कौन? जो द्रव विरोधी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रायः कम स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विद्युत अपघट्य मिलाने पर तीव्रता से अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसमें हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो ये मिलाने पर इसकी तीव्रता से अवक्षेपित हो जाती है या हो जाते हैं। अतः ये क्या है? उत्क्रमणीय सॉल होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए इसका, उदाहरण तो धातु आएंगे आपके, ठीक है, धातु ऑक्साइड आएंगे, धातु सल्फाइड आएंगे, आदि सॉल के होते हैं। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो जिसको समझ नहीं आया होगा उनसे हमारा प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इसको एक बार फिर से रिपीट कर ले और उनका अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा 11वां क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, छोटा छोटा करके सब पे एक टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है हार्डी सुलझे के नियम, ठीक है, कि हार्डी सुलझे का नियम क्या होता है। और उसके बाद दूसरा है स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या के बारे में लिखना है। तीसरा है पेप्टीकरण, ठीक है, पेप्टीकरण के बारे में लिखना है। चौथा है विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको बारी बारी से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो बात करें हार्डी सुलझे के नियम से, स्टार्ट करते हैं हार्डी सुलझे के नियम से। ठीक है, तो हार्डी सुलझे नियम हेडिंग डाल देते हैं। हार्डी सुलझे के नियमानुसार विपरीत आवेश आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यही होता है हार्डी सुलझे का नियम। हमें पता है कि आप लोगों को एक बार समझ नहीं आया होगा, तो जो बच्चे नहीं समझ पाए होगा फिर समझें। तो इसमें हार्डी सुलझे के नियमानुसार हमको बस ये समझना है कि विपरीत आवेश आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होती है, ठीक है, विपरीत आवेश आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होती है। तो दोनों अधिक है तो उतनी अधिक ये होगी तो उतना ही अधिक वो होगा। तो ये कहलाएगा आपका हार्डी सुलझे के नियम। समझ में आ गया कि हार्डी सुलझे का नियम क्या होता है? ठीक है, चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्वर संख्या के बारे में। ठीक है, तो स्वर संख्या क्या होता है आइए उसको देखते हैं। तो छोटा छोटा टिप्पणी हम हर टॉपिक पे आपको बताएंगे जो इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे। तो अब स्वर संख्या देखिए, स्वर संख्या, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसकी? द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइड की विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर 1 मिली 10% यानी सीएल विलयन द्वारा स्कंदन से क्या होते हैं, होने से होते हैं, ठीक है, रक्षण करती हैं। तो समझिए इसमें क्या है, स्वर संख्या क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए तो आपको समझ बेटर आएगा। इसमें बताया जा रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ठीक है, जो
दिए हुए स्वर्ण ठीक है के कोलाइडी पर, ठीक है कोलाइडी की विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर 1 मिली 10% यानी सीएल विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है, स्वर संख्या कहलाती है। बहुत ही सिंपल है। तो स्वर संख्या वह संख्या होती है आप कह सकते हैं जो ठीक है कोलाइडी की विलयन में 10 मिली ठीक है 10 मिली में उपस्थित होने पर 1 मिली 10% यानी सीएल का रक्षण करती है, वह संख्या क्या कहलाती है स्वर संख्या कहलाती है। ठीक है, अतः द्रव स्नेही कोलाइड भी रक्षी कोलाइड कहते हैं। किसको? द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है उसे हम रक्षी कोलाइड भी कहते हैं। ठीक, चलिए तो अब समझते हैं आगे हम तीसरा पॉइंट क्या है। तो ये हो गया आपका हार्डी सुलझे के नियम और हो गया क्या स्वर संख्या। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पेप्टीकरण के बारे में। ठीक है, चलिए तो आइए देखिए पेप्टीकरण क्या है। तो ध्यान दीजिए, पेप्टीकरण ताजे बने अवक्षेप को, किसको? ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को पेप्टीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। पेप्टीकरण किसे कहेंगे? जो ताजा बना हुआ अवक्षेप होता है ठीक है उसमें हम विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं विलयन में परिवर्तित करते हैं। तो ये करने पर यह प्रक्रम को जो करने का जो प्रक्रम होता है प्रोसेस होता है उसे हम पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य को पेप्टीकारक कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में जो उपयुक्त विद्युत अपघट्य होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे पेप्टीकारक कहते हैं। ठीक है, अब समझिए लास्ट पॉइंट चौथा आपका है क्या। चौथा है आपका ठीक है विद्युत कण संचालन। तो आइए विद्युत कण संचालन समझ लेते हैं। तो विद्युत कण संचालन का हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या विद्युत क्षेत्र के ठीक है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड क्षण ठीक है सॉरी कोलाइड कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो फिर समझिए कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कण जो कोलाइड के कण होते हैं वह विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं। गमन का मतलब गति करने लगते हैं जाने लगते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कण ठीक है कोलाइड कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचालन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार समझेंगे आप तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत कण संचालन का हेडिंग और इसके बारे में हमने टिप्पणी भी कर दिया है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगला वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने आज आपको क्वेश्चन बताया आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक या दो बार अगर लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं इस हेडिंग को जो थ्योरेटिकल है तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं आपके साथ कि ये कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, कभी का तो नहीं पता लेकिन अगर लिख के याद करते हैं तो आप एग्जाम तक जरूर याद कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे मन से समझते हैं पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा हमारे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि हम आपको अब ये जो पीसीएम सॉल्यूशन का एप्लीकेशन है इसमें जितने भी सॉल्यूशन है हम वो लगभग आपको पूरा कराने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चल रहा है लॉन्ग नंबर का क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा तब आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, अब इसको हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।